हेलो व्यूअर्स, इट्स मी अजय एंड वेलकम बैक टू एडी ब्लॉग्स। व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही एक प्रसिद्ध, बेलूर में बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है जो है बेलूर किला, दुर्ग या फोर्ट। तो इस वीडियो में हम बेलूर किला के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो मंदिर है वो भी दर्शन करेंगे, फिर जो किला है उसको भी घूम के देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो व्यूअर्स, हाँ, अभी फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट जाने पे एक मंदिर मिलता है और इस साइड में है म्यूज़ियम और यहाँ पर भी कुछ देखने लायक चीज़ है। तो हम पूरा घूम के देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले मंदिर जो है वो दर्शन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, सीएमसी बेलूर से इस फोर्ट का डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर। आप पैदल ही जा सकते हैं वहाँ पे। हम लोगों ने एक ऑटो रिजर्व किया था तो 80 रुपीज़ लिया हम तीनों आदमी मिलके। मैं प्रेफर करूँगा अगर आप सीएमसी बेलूर से है, मतलब यहाँ पे आएंगे तो आप पैदल ही जा सकते हैं गूगल मैप का यूज़ करके, बहुत ही पास ही है वो चीज़। अभी जिस मंदिर के पास हम जा रहे हैं वो है श्री जलगांडेश्वर मंदिर। और बहुत सारी चीज़ है इस फोर्ट के अंदर, एक मस्जिद भी है, चर्च भी है और फिर अस्पताल भी है और एसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑफिस भी है, फिर म्यूज़ियम है। और मज़ेदार चीज़ है कि इस महल के अंदर एक टीपू महल भी स्थित है और मान्यता ये है कि टीपू सुल्तान ब्रिटिश युद्ध के समय अपने परिवार के साथ कुछ समय यहाँ रहे थे। इस किले के जो दीवार है वो ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है, विशाल विशाल ग्रेनाइट स्टोन को एक के ऊपर एक रख रख के पूरे दीवार जो है चारों तरफ से ऐसे ही घेर के रखा हुआ है। और फिर जो दीवार के नीचे जो है बहुत ही चारों तरफ से ही जलाशय है और उस जलाशय में भी पानी, मतलब वहाँ पे जब पानी सूख जाता है तो एक कुंड है जिसको सूर्य घंटा जलाशय बोला जाता है, वहाँ से भी पानी लेके इस किले के चारों तरफ, मतलब पानी हर वक्त रहता है। अभी जिस जगह को आप देख रहे हैं वो मंदिर के गर्भगृह है और यहाँ से चारों तरफ से आप प्रदक्षिण कर सकते हैं। ये जो फोर्ट है और जितने भी यहाँ पे आर्किटेक्चर है वो आज से लगभग 456 ईयर्स एगो उसको बनाया गया था। और जो क्रिएटर थे तो उस समय विजयनगर एम्पायर था, तो उनके एम्पायर के अंदर ही ये काम किया गया था। ये जो टेंपल है वो लॉर्ड शिवा को समर्पित है और इस मंदिर को लेके भी बहुत सारे कहानी सुनाया जाता है और लोग यहाँ पे मानते हैं कि ये जो मंदिर है वो पहले यहाँ पे एक हम उसको चीटी कहते हैं, चीटी का टीला था और उसके चारों तरफ पानी था। तो एक दिन किसी एक को सपने में आया था कि आप वहाँ पे मंदिर स्थापना कीजिए, भगवान शिव ने उसको सपना दिखाया था, तो उसके बाद यहाँ पे मंदिर का स्थापना हुआ। जलगांधेश्वर टेम्पल विजयनगर आर्किटेक्चर के एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। इस मंदिर में जो गोपुरम है जिसे हम मीनार कहते हैं उसके ऊपर
बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे नक्काशी की गई है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन के पिलर है, फिर वुडन दरवाज़ा है जो बहुत ही मतलब आकर्षणीय है। बहुत ही सुंदर, सच में मार्वेलस। तो व्यूअर्स, हम मंदिर से निकल के अभी जो फोर्ट है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। हर तरफ ही आपको ग्रेनाइट स्टोन ही दिखाई देगा, मेरे राइट में, लेफ्ट में और नीचे भी है, वो वहाँ पे ग्रेनाइट स्टोन ही है। और पहले समय में जब राजा थे तो वो यहाँ से ही घोड़े के मदद से इस किले के जो दीवार है उसके ऊपर ही चढ़ते थे। बहुत सारे जगहों में जो सिपाही थे वो भी कुछ पैदल थे, कुछ घोड़े में थे, ऐसे करके वो लोग यहाँ से देखते। आप देख पाएंगे जैसे इस साइड से वहाँ पे पानी दिखाई दे रहा था जो मैंने पहले बोला था। तो हर तरफ ही, चारों तरफ से ही मतलब पानी से ही कवर किया गया है। फोर्ट जो है वो बीच में है। तो इस फोर्ट के वॉल के ऊपर ही कुछ जगह जाने के बाद आपको इस तरह राउंड शेप में कुछ स्पेस दिखाई देगा, वहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं, कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, फिर आप आगे जा सकते हैं। बहुत ही ह्यूज एक स्पेस है पूरे जो किला है, और उसका जो चौड़ाई है मेरे ख्याल से लगभग 15-20 feet होगा टोटल किला का जो मतलब जो वॉल है एक साइड से दूसरे साइड तक डिस्टेंस ऐसा कुछ ही होगा। मैं गलत हो सकता हूँ शायद, मुझे देख के जो लगा मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो फोर्ट से हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग हॉर्स राइड करेंगे। मेरे जो लड़की है वो नहीं मान रही थी, तो फिर हम लोग इस जो घोड़े का टांगा है उस पर हम लोग चढ़े। उसका फेयर है पर पर्सन 50 rupees। तो यहाँ पे हम लोगों ने 150 rupees दिया और उसने कुछ जगह हमें घुमाया इस कैंपस के अंदर ही। तो व्यूअर्स, बहुत टाइम हम लोग घूम चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं फिर से हमारे रूम पे। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट सीट बेल्ट व्हाइल यू आर राइडिंग। थैंक यू।